मैं अभिनंदन गादिया सूरत, जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। संप्रसारण आभा तेयुब जैन तेरापन न्यूज़ JTN। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। ओम अहम। यात्रा एक अकिंचन की। प्रेक्षा ध्यान। ध्यान का कर्मा रहो। बाहर और भीतर में सामंजस्य स्थापित करना सरल कार्य नहीं है। मेरी बाहरी रूप एक विद्यार्थी का था। मैं अधिकांश समय पुस्तकों के साथ जीता था। भीतर अध्यात्म के बीज पनप रहे थे। ध्यान और योग, ये सब अध्यात्म के रश्मि चक्र हैं। मुनि जीवन के प्रथम वर्ष में उत्तरार्ध में मेरी अध्ययन के प्रति रुचि हो गई, पूर्वार्ध में वह नहीं थी। गृहस्थ जीवन में 10 वर्ष तक पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला और रुचि का निर्माण भी नहीं हुआ। मुनि जीवन के पहले दशक में ध्यान के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। दूसरे दशक के पूर्वार्ध में संस्कृत और प्राकृत के प्रौढ़ ग्रंथों का अध्ययन किया, तब ध्यान का महत्व समझ में आया। दूसरे दशक के उत्तरार्ध में जो नया प्रस्थान हुआ, उसका संबंध स्वास्थ्य और ध्यान दोनों से है। मुनि के लिए प्रतिक्रमण अनिवार्य है, उसमें 3 बार ध्यान किया जाता है। मैं मेरी प्रातः और साय प्रतिक्रमण में 6 बार ध्यान करता था, किंतु ध्यान के अंकुर प्रस्फुटित नहीं हुए। वे संभवतः मुनि बनने के 10 वर्ष बाद प्रस्फुटित हुए। उस समय मैं 20 वर्ष का हो चुका था। बाहरी जगत में ज्ञान परिपक्व हो रहा था और भीतर के जगत में ध्यान के अंकुर पल्लवित हो रहे थे। अकस्मात एक दिन मैंने अनुभव किया, क्या ध्यान शून्य जीवन के लिए हितकर होगा? स्वयं उत्तर मिला, तार्किक और बौद्धिक जगत में जीने के लिए ज्ञान की उपयोगिता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने आप को जानने के लिए ध्यान शून्य ज्ञान की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि ज्ञान शब्द और तर्क से परे हैं। आचार्यों के इन सूत्र वाक्यों ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। सबवे सराणियंति, सब स्वर लौट आते हैं, शब्द के द्वारा आत्मा प्रतिपाद नहीं है। तक्का तत्न विजयी, वहां कोई तर्क नहीं है, आत्मा तर्क गम्य नहीं है। मई तत्थ न गाहिए, वह मति के द्वारा गाह्य नहीं है। मैं दर्शन का अध्येता रहा। दर्शन के विद्यार्थी को तत्ववेता होना जरूरी है। वह दर्शन केवल बौद्धिक सत्य रह जाता है, जिसकी फलश्रुति आचार में नहीं होती। मैं दर्शन, तर्क शास्त्र और आचार शास्त्र की भिन्नता और अभिन्नता दोनों का विवेचन करता रहा। दर्शन का सूत्र है, आत्मा अमूर्त है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता। नो इंदिजगे अभूत भावा। आचार मीमांसा का सूत्र है, आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। अनेकांत के द्वारा तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा में संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि वह संबंध स्थापित न किया जाए तो साधना के एक सोपान का भी निर्णय नहीं हो सकता। ध्यान का संस्कार बीज। ध्यान के संस्कार बीज में पूर्व जन्म से लेकर आया था। मैं पूर्व जन्म में विश्वास करता हूँ। मैं योगी होने की भविष्यवाणी में भी सार्थकता देख रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ध्यान मेरे अव्यक्त में पल रहा था। एक निमित्त पाकर वह व्यक्त हो गया। दूसरे दशक के प्रारंभ में मैंने ध्यान प्रारंभ कर दिया। ध्यान होना और ध्यान करना एक बात नहीं है। एकाग्रता बचपन से ही अच्छी थी। एकाग्रता ध्यान है। ध्यान का प्रारंभिक बिंदु खोजना मेरे लिए सरल नहीं है। विधि या प्रयोग के आधार पर ध्यान का प्रारंभ छापर चातुर्मास से होता है। ध्यान का प्रारंभिक अभ्यास मैंने ओम के प्रलब्ध उच्चारण से किया। आधा मिनट में ओम का एक बार उच्चारण होता, उससे एकाग्रता बढ़ती और दीर्घ श्वास का सहज ही अभ्यास हो जाता। ध्यान की पृष्ठभूमि। विक्रम संवत 2000 छापर में प्रवास। वहां 2 व्यक्ति रहस्य विद्या में रुचि रखने वाले थे। एक का नाम था मोहनलाल दुधोड़िया और दूसरे का नाम था पूनमचंद दुधोड़िया। वे एक हस्तलिखित ग्रंथ लेकर आए। उसका कलेवर बड़ा था, लगभग 500 पन्ने। उसका विषय था तंत्र विद्या। मैंने वह ग्रंथ पढ़ा। मोहनलाल और पूनमचंद दोनों उसके वाचन में साथ रहे। उस ग्रंथ में तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि अनेक विषयों का विस्तार से वर्णन था। उस समय ध्यान मेरी रुचि का विषय नहीं था और न ही मैं ध्यान का अभ्यास करता था।
तंत्र को पढ़ते समय मेरे मस्तिष्क के अज्ञात कोने में ध्यान का प्रवेश हो रहा था। विक्रम संवत 2001 सरदार शहर में चातुर्मासिक प्रवास, वहां एक श्रावक थे, उनका नाम था महालचंदजी डागा। वे संगीत प्रिय और घो विद्या में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने मुझे एक पुस्तिका लाकर दी। वह आकार में छोटी थी किंतु प्रकार में काफी महत्वपूर्ण और मननीय थी। ग्रह विद्या के रहस्यों को मैं नहीं जानता था। उस पुस्तिका के अध्ययन के बाद ग्रह विद्या में मेरी रुचि हो गई। वह रुचि ध्यान की पृष्ठभूमि बन गई। मंत्र का विशेष अभ्यास। छापर का चातुर्मास नए आयामों और नई दिशाओं में विकास का चातुर्मास था। चातुर्मास के संपन्न होने पर वहां से प्रस्थान किया। मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम राजल देसर में था। मर्यादा महोत्सव प्रतिवर्ष माघ शुक्ला सप्तमी को मनाया जाता है, किंतु राजल देसर का मर्यादा महोत्सव भविष्य में होने वाली यात्राओं और विकास को अपने में छुपाए हुए था। आचार्य तुलसी ने अपने आचार्य काल के 11 वर्ष बीकानेर संभाग में बिताए। 12वां वर्ष यात्रा का प्रारंभ वर्ष बना। जैन मुनि एक स्थान पर नहीं रहते, इसलिए यात्रा उनका निसर्ग है। मर्यादा महोत्सव के बाद हमें अनछुए क्षेत्रों में जाना था, इसलिए इस पाद विहार को यात्रा कहा गया। जयपुर का चातुर्मास संघर्षों और नए आयामों का चातुर्मास था। वहां अनेक विचारकों से विचार विमर्श करने का अवसर मिला। संस्कृत में रचना करने और अध्ययन को अधिक गंभीर करने का वातावरण मिला। ध्यान के अभ्यास का अच्छा अवसर मिला। मैंने हाम हीम हूम हेम होम हम मंत्र का विशेष रूप से अभ्यास किया। समाधि शतक और तत्वानुशासन का अध्ययन। जयपुर का चातुर्मासिक प्रवास संपन्न हो गया। उसके बाद सवाई माधोपुर की यात्रा की। रास्ते में भगवतगढ़ में पड़ाव हुआ। वह छोटा सा कस्बा था। साधु साधुओं की परीक्षा का समय निकट आ गया, इसलिए मुझे भगवतगढ़ में ही रुकना पड़ा। गुरुदेव सवाई माधोपुर पधार गए। परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूपेण चल रही थी। मेरा अधिकांश समय परीक्षार्थियों को तैयारी कराने में लग रहा था। कुछ मुनि परीक्षा उपयोगी पुस्तकें लाए और साथ ही दूसरी पुस्तकें भी लाए। उनमें से एक पुस्तक मैंने पढ़ने के लिए चुनी। उसमें इष्टोपदेशक, समाधि शतक आदि योग और ध्यान विषयक अनेक ग्रंथ सम्मिलित थे। मैंने समाधि शतक को बहुत ध्यान से पढ़ा। उसके अध्ययन मनन ने अध्यात्म और ध्यान की रुचि को नया आयाम दे दिया। इससे मेरा ध्यान का अभ्यास और अधिक सघन हो गया। उसी दौरान मैंने आचार्य रामसेन का तत्वानुशासन पढ़ा। उसमें ध्यान का सागोपाग निरूपण है। ध्यान के अनेक रहस्यों को समझने का अवसर मिला। पार्थिवी, वारुणी, आग्नेयी और वायवी धारणाओं को पढ़ा और उनका प्रयोग भी किया। ओम की प्रलंब ध्वनि का प्रयोग। विक्रम संवत 2007 का चातुर्मास हांसी हरियाणा में था। प्रातःकाल हम सोच कार्य और प्रवचन के लिए दूर जंगल में जाते थे। वहां एक बड़ी नहर थी। उसके पार्श्व में खड़े होकर मैं ओम की प्रलंब ध्वनि में जप करता था। उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। आसपास के चरवाहे इकट्ठे हो जाते थे। वह क्रम 20 मिनट से 30 मिनट तक चलता। उससे चेतना का कोई प्रस्फुट प्रकोष्ठ जागृत हुआ, ऐसा मैंने अनुभव किया। अंतर्दृष्टि के जागरण के लिए मस्तिष्क के कुछ प्रकोष्ठों को सक्रिय करना आवश्यक होता है। नमस्कार महामंत्र का ध्यान। जैन साधना पद्धति में नमस्कार महामंत्र का जप सर्वमान्य है। यह जप अनेक प्रकार से किया जाता है। अनुपूर्वी इसका एक विशिष्ट प्रयोग है। एकाग्रता के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने नमस्कार महामंत्र का प्रयोग 5 रंगों और 5 चक्रों के साथ किया। मंत्र: नमो अहंताणम चक्र सहस्त्रार रंग सफेद, नमो सिद्धाणम चक्र आज्ञा रंग अरुण, नमो आर्याणम चक्र विशुद्धि रंग पीला, नमो वज्जायणम चक्र अनाहत रंग हरा, नमो लोए सवसाहुणम चक्र मूलाधार रंग नीला। इस प्रयोग से एकाग्रता का विकास हुआ और स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। मुझे अधिक शक्ति का अनुभव हुआ। असिया उषा जैन मंत्र परंपरा में शक्तिशाली और चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। जयाचार्य ने इसका बहुत प्रयोग किया। इस मंत्र के एक एक वर्ण का एक एक अवयव पर ध्यान केंद्रित कर जप किया जाता है। मंत्र अवयव। मंत्र अ अवयव नाभि, मंत्र सी अवयव मस्तक, मंत्र आ अवयव मुख, मंत्र उ
अवयव हृदय, मंत्र सा अवयव कंठ, सचित्र स्वास्थ्य और प्राणायाम। विक्रम संवत 2009 का चातुर्मास सरदार शहर में था, उससे पूर्व गुरुदेव मोमासर में विराजे। वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, उन दिनों लाइब्रेरी के प्रति मेरा बहुत आकर्षण रहता था। नई पुस्तक देखने की भावना बनी रहती, वहाँ कोई नई पुस्तक मिलने की संभावना नहीं थी, फिर भी मैं वहाँ गया। पुस्तकें देखी, एक पुरानी फटी हुई सचित्र स्वास्थ्य और प्राणायाम नामक पुस्तक मिली। उसका विषय था योग, जिसका शीर्षक योग हो अथवा जिसमें योग के बारे में लिखा हुआ हो, उस पुस्तक को नहीं देखना मेरे लिए संभव नहीं था। लाइब्रेरियन की अनुमति लेकर मैं वह पुस्तक अपने स्थान पर ले आया। उसका बाहरी आकार अच्छा नहीं था, फिर भी प्रकार बहुत अच्छा था। बहुत बार हम आकार में उलझ जाते हैं, प्रकार को नहीं देखते, इसलिए बहुत बार अच्छी वस्तु से वंचित हो जाते हैं। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे लगा कि पुराने शरीर में एक शक्तिशाली आत्मा का निवास है। योग के बारे में अनेक पुस्तकें पढ़ी, पर इस पुस्तक में जो मिला वह अन्यत्र नहीं मिला। इस पुस्तक के अध्ययन से योगाभ्यास में और अधिक परिपक्वता आ गई। उस पुस्तक का प्रतिपाद विषय साधक के लिए बहुत उपयोगी है और मेरे लिए वह बहुत उपयोगी बना। ध्यान साधना के प्रमुख अंग। स्वास्थ्य के लिए आसन और प्राणायाम का प्रयोग आवश्यक है, यह सामान्य धारणा है। एकाग्रता के लिए भी आसन और प्राणायाम का प्रयोग स्वास्थ्य की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। मैंने इसका अनुभव किया। दीर्घ श्वास के प्रति मेरा प्रारंभ से ही आकर्षण था। एकाग्रता की सिद्धि के लिए उसकी अधिक आवश्यकता प्रतीत हुई। ओम का प्रलंब उच्चारण और दीर्घ श्वास ये मेरी ध्यान साधना के प्रमुख अंग बन गए। अध्ययन के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था। संस्कृत और प्राकृत के प्रौढ़ ग्रंथों को पढ़ने में मेरी गहन रुचि थी। मैंने अनुभव किया कि अध्यात्म विकास के लिए कोरा अध्ययन पर्याप्त नहीं है, उसके साथ ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। मैंने ध्यान के लिए समय का नियोजन किया। मैं 1 घंटा तक ध्यान करने लग गया। ध्यान लब्ध एकाग्रता ने मेरे अध्ययन और लेखन के कार्य को सरल बना दिया। एकाग्रता के अभाव में कार्य संपादन में अधिक समय लगता है। 1 घंटे का कार्य 3 घंटों में संपन्न होता है। एकाग्रता के सद जाने पर 3 घंटों में करणीय कार्य 1 घंटे में हो जाता है। समयावधि का संवर्धन। विक्रम संवत 2010 का चातुर्मास जोधपुर में था। उस चातुर्मासिक प्रवास में मैंने ध्यान की समयावधि बढ़ा दी। उससे मुझे अधिक आनंद की अनुभूति होने लगी। एकाग्रता भी और अधिक गहरी हो गई। मैंने अनुभव किया कि ध्यान केवल आध्यात्मिक विकास के लिए ही आवश्यक नहीं, व्यावहारिक सफलता के लिए भी आवश्यक है। मंत्र शास्त्र और ध्वनि चिकित्सा। विक्रम संवत 2011 का चतुर्मासिक प्रवास मुंबई में था। वहाँ सतावधानी धीरज लाल टोकरसी एक ग्रंथ लेकर आए। वह हस्तलिखित था। उसका नाम था विद्यानुशासन। उसमें जैन शासन के मंत्रों का समुच्चय था। मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा तो ध्यान के विषय में मेरी अवधारणा और अधिक स्पष्ट हो गई। शब्दातीत अथवा विकल्पातीत होना ध्यान साधना का एक प्रस्थान है, किंतु साधना के प्रारंभ में यह स्थिति प्राप्त नहीं होती। उस समय किसी एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। विकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक अशुभ दूसरा शुभ। अशुभ विकल्प से मुक्ति पाने के लिए शुभ विकल्प का आलंबन आवश्यक है। शुभ विकल्प का अभ्यास परिपक्व होने पर निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है। मंत्र शास्त्र ने मुझे आकृष्ट किया। मैंने जप का प्रयोग शुरू कर दिया। ध्वनि चिकित्सा के विषय में मैंने कुछ अध्ययन किया था। मंत्र शास्त्र के अध्ययन से उसकी पुष्टि हो गई। प्रायोगिक चातुर्मास। विक्रम संवत 2012 का चातुर्मास उज्जैन में था। वह चातुर्मासिक प्रायोगिक चातुर्मास था। उसमें हमने अनेक प्रयोग किए। एक प्रयोग निर्जरार्थी का था। निर्जरा जैन आचार का परिभाषिक शब्द है। तपस्या के द्वारा पूर्व अर्जित कर्म का क्षय होता है, आत्मा का शोधन होता है, उसका नाम है निर्जरा। आचार्य श्री ने चिंतन किया कि इस चातुर्मास में हम आगम संपादन का कार्य शुरू कर रहे हैं, उसके साथ कुछ प्रयोग भी करने चाहिए। हमारे साधु संघ की व्यवस्था है कि समुच्चय के कार्य बारी बारी से किए जाते हैं। हमने निर्णय किया कि इस चातुर्मास में किसी की बारी नहीं चलेगी, सब मुनि निर्जरा से कार्य करेंगे, निर्जरा के लिए अपनी सेवा देंगे। 4 मास तक यह प्रयोग चला और कल्पना से अधिक सफल रहा।
उज्जैन चातुर्मासिक प्रवास में आगम संपादन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। मैंने चिंतन किया, कार्य बहुत बड़ा है, लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। मैंने 3 दिनों को 3 भागों में विभक्त कर दिया। उसके एक भाग में मुख्यतः जप और ध्यान का प्रयोग चलता, कुशल साधना का प्रयोग। पूज्य गुरुदेव की अनुमति से हमने कुशल साधना का प्रयोग शुरू किया। उसके 10 सूत्र निर्धारित किए गए, इस विषय में गुरुदेव ने विस्तार से लिखा है। दूसरी संगोष्ठी में साधु जीवन में कुछ आदर्शों को विकसित करने के लिए 1 10 सूत्री साधना क्रम प्रस्तुत किया गया। कुशल साधना के नाम से प्रस्तावित उस उपक्रम में की पृष्ठभूमि में एक प्रश्न चिन्ह था, कुशल कौन? कार्य व्यवसाय का हो या आत्मशक्तियों के जागरण का, साहित्य का हो या संस्कृति का, घर लक्ष्मी का हो या साधुत्व का, कुशलता का महत्व सब जगह है। हमारा लक्ष्य साधुओं के आचार और व्यवहार की कुछ ऐसी कसौटियों को निर्धारण करना था जिनके आधार पर साधक अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सके। आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण के बाद साधु साधुया अपनी अर्हता का निर्णय कर सके। इस दृष्टि से निर्धारित कुशल साधक का स्वरूप अंगाकित है। साधना के इस नए अध्याय ने साधु साधुओं में नई स्फूर्णा भर दी। साधु जीवन में साधना के प्रयोग न हो तो केवल ऊपर का दिखावा रह जाता है। इस प्रयोग के पीछे 2 प्रेरणाओं ने काम किया। पहली प्रेरणा थी मेरा नवीनता प्रेम, मेरे मन में प्राय कुछ नया करने की भावना रहती। दूसरी प्रेरणा थी संघ के कुछ साधुओं द्वारा निर्मित वातावरण। उन्होंने भीतर ही भीतर ऐसा वातावरण बनाना शुरू कर दिया था कि संघ में अंतरंग दृष्टि से कुछ नहीं हो रहा, केवल बाह्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। मेरा यह मानसिक संकल्प था कि चातुर्मास में कुछ प्रयोग कर साधु साधुओं की मानसिकता का निर्माण करना है, उसके बाद पूरे संघ का कायाकल्प करना है। कितना कुछ होगा पहले से कहना कठिन था। पुरुषार्थ करना आत्मधर्म मानकर मैंने एक प्रयोग किया, उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। प्रयोग सकलीकरण का, कुशल साधना का प्रयोग चातुर्मास तक व्यवस्थित रूप से चला। चातुर्मास संपन्न कर हम रतलाम पहुंचे। पूज्य गुरुदेव ने रतलाम के परिपार्श्व की यात्रा की। हम कुछ साधु आगम काम के लिए रतलाम में रहे। वहां के एक प्रमुख श्रावक समर्थ मलजी जैन ने एक हस्तलिखित पुस्तक हमें दी। वह यति वर्ग के द्वारा लिखित थी। उसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र, औषध आदि अनेक विषयों का बड़ा संकलन था। वह मेरे आकर्षण का विषय था, अतः मैंने उसे बहुत गहराई से पढ़ा। उसमें से कुछ मंत्र यंत्र लिखे और कुछ का प्रयोग भी किया। यदि वह पुस्तक आज मेरे सामने हो तो उसका प्रचुरता से प्रयोग किया जा सकता है। वह समय मेरे ध्यान और अध्यात्म साधना का प्रारंभिक समय था। कुछ वर्षों बाद उस हस्तलिखित ग्रंथ के बारे में जानकारी की। सम्यक संपर्क के अभाव में वह पुनः प्राप्त नहीं हुई। उसके कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं। पहला, सकलीकरण। ओम नमो अरहंताणम हा शीर्ष रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो सिद्धाणम हिम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो आयर्याणम हुम हृदय रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो उवध्यायणम होम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम नमो लोए सव्व सावणम हम पादो रक्ष रक्ष स्वाहा। दूसरा, शीप ओम स्वाहा। मंत्र का जप और तंत्र की साधना, इन दोनों में सूक्ष्म भेद हैं। विधि पूर्वक मंत्र की साधना की जाती है, उसमें विघ्न बाधा की संभावना रहती है, इसलिए मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का कवच तैयार करना होता है। सकलीकरण मंत्र साधक के लिए सुरक्षा का कवच बनता है। मैंने सकलीकरण का प्रयोग किया है और साधना के समय आने वाली बाधाओं से मुक्त रहा। एम मंत्र की साधना। उस तंत्र ग्रंथ में सरस्वती की सिद्धि अथवा विद्या विकास के मंत्र भी थे। मैंने एम मंत्र को चुना, जीभ पर उसे विधिवत लिखा और उसकी साधना शुरू कर दी। अतींद्रिय ज्ञान के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था। मुझे अतींद्रिय ज्ञान के विकास के लिए एक सूत्र मिला, स्थूल शरीर और मन को निष्क्रिय करने तथा सूक्ष्म चेतना को सक्रिय करने पर अतींद्रिय चेतना का विकास होता है। उस समय तक हमने कायोत्सर्ग की विधि का विकास नहीं किया था। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि कायोत्सर्ग के द्वारा सम्यक शिथिलीकरण सिद्ध होने पर अतींद्रिय चेतना का द्वार खुल जाता है।
प्रयोग पद्धति की खोज की अभिप्रेरणा। आचार्य तुलसी मुनिचर्या के कुछ नियमों में परिवर्तन कर रहे थे। देश काल के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक था। एक दिन मैं गुरुदेव के पास बैठा था। गुरुदेव ने कहा, हम आवश्यक परिवर्तन कर रहे हैं, उसे साधु समाज और श्रावक समाज हमारी मानसिक शिथिलता न समझ लें। परिवर्तन आवश्यक भी है और प्राचीन परंपरा को बदलना खतरनाक भी है। परिवर्तन के साथ हमारा आध्यात्मिक विकास बढ़ता जाए तो उस खतरे से बचा जा सकता है। कोरा परिवर्तन हो और आध्यात्मिक विकास न हो तो शिथिलता के आरोप को रोका नहीं जा सकता। आचार्यवर के इस चिंतन से एक नया मोड़ आया। आध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। आचार्यवर ने कहा, तुम प्रयोग पद्धति की खोज करो। इधर आगम संपादन का कार्य चल रहा था, उधर आध्यात्मिक विकास की प्रयोग पद्धति की खोज चल रही थी। मैंने अनुभव किया कि स्वयं को प्रयोग भूमि बनाए बिना प्रयोग की प्रामाणिकता पर विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। मैंने स्वयं ध्यान के प्रयोग शुरू किए। प्रयोग की पृष्ठभूमि में दो प्रेरणाएं काम कर रही थी, पहला आध्यात्मिक विकास, दूसरा आगम संपादन का गुरुत्व दायित्व। आचार्य तुलसी को ये दोनों कार्य इष्ट थे। जो उनको इष्ट था वो मुझे इष्ट था। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि प्रेरणा का मुख्य स्रोत था आचार्य तुलसी का वरद हस्त। प्रयोग शक्ति जागरण का, अपनी शक्ति का विकास किए बिना इष्ट सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए मैंने शक्ति जागरण की ओर ध्यान केंद्रित किया। शक्ति के मुख्य रूप तीन हैं, पहला शरीर की शक्ति, दूसरा मन की शक्ति, तीसरा भाव की शक्ति। शरीर की शक्ति के लिए मैंने आसन और प्राणायाम के वर्ग का चयन किया। भुजंगासन, मत्यासन, पश्चिमोत्तासन, सुप्त वज्रासन, उत्तानपाद आसन, बृहद पद्मासन, हलासन, सर्वांगासन, ये मेरे करणीय सूची में प्रमुख आसन थे। अनुलोम विलोम, सूक्ष्म भस्त्रिका, सुप्त भस्त्रिका, उज्जायी, नाड़ी शोधन, केवल रेचन, केवल कुंभक, ये मेरे करणीय सूची में प्रमुख प्राणायाम थे। कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए वीर्य शुद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है। वीर्य के लिए गोदोहसन को मैंने बहुत उपयोगी पाया। गोदाहसन से अंगूठे के नीचे और एड़ी के पीछे जो काम वाहिनी सिराए हैं उन पर सम्यक नियंत्रण किया जा सकता है। स्वप्न दोष निवारण के लिए पश्चिमोत्तासन और मत्स्यासन बहुत उपयोगी हैं। मानस चक्षु का प्रयोग, मैंने चिंतन किया, केवल शरीर शक्ति से महान कार्य की सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए मन की एकाग्रता बहुत अपेक्षित है। एकाग्रता की सिद्धि के लिए मैंने अनेक प्रयोग किए, वे मेरे अपने अनुभव बन गए। उस समय प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग, दीर्घ श्वास आदि की स्पष्ट परिकल्पना नहीं हुई थी, इसलिए मानस चक्षु का प्रयोग मैंने स्वयं चुना था। मैंने उसके कुछ सूत्र बनाए। पहला, जिस वस्तु का ध्यान किया जाए उस वस्तु का मानसिक चित्र सामने रखा जाए। दूसरा, जिस पद का जप किया जाए उसे आकाश में स्पष्ट लिखा हुआ देखा जाए, मानस चक्षु से पढ़ते हुए जप किया जाए। जिस ग्रंथ का स्मरण या स्वाध्याय किया जाए उसके प्रत्येक शब्द की विषय वस्तु का चित्र सामने अंकित किया जाए। चौथा, जप करते समय प्रत्येक अक्षर के उच्चारण के साथ उसके स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उदाहरण स्वरूप, अरहम के जप के क्षण में अ का उच्चारण करते समय कंठ पर ध्यान केंद्रित हो और र के उच्चारण के समय मूर्धा पर ध्यान केंद्रित हो। ह के उच्चारण के समय कंठ पर ध्यान केंद्रित हो और म के उच्चारण के समय होठों पर ध्यान केंद्रित हो। पांच, ध्यान काल में जिस पद का आलंबन लिया जाए उस पद के अक्षरों के स्थान पर भी जप की भांति ध्यान केंद्रित करें। मानस चक्षु के प्रयोग से एकाग्रता की शक्ति बढ़ी, उससे आगम संपादन का कार्य सहज सरल हो गया। हम जिस शोधपूर्ण पद्धति से आगम संपादन का कार्य कर रहे थे वह सघन एकाग्रता के बिना संभव नहीं था। एकाग्रता से ध्यान की गति भी अच्छी हो गई। भाव शुद्धि की साधना, जैन तत्व विद्या में भाव का विशद वर्णन है। उसका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति भाव द्वारा संचालित है, मन का स्वतंत्र स्थान नहीं है, वह भाव की अभिव्यक्ति का एक तंत्र है। भाव का जगत सूक्ष्म है, सूक्ष्म की जो क्रिया होती है उसे मन स्थूल जगत में व्यक्त कर देता है। इस अवधारणा ने मुझे भाव शुद्धि की ओर प्रेरित किया। भाव शुद्धि के बिना केवल मन की भूमिका तक सिमटकर कोई भी व्यक्ति निर्मल ध्यान का विकास नहीं कर सकता। भाव शुद्धि के लिए आवश्यक है अहंकार
और ममकार का विसर्जन। आचार्य रामसेन का तत्वानुशासन एक उत्तम ध्यान शास्त्र है। उसका प्रारंभ अहंकार और ममकार के विसर्जन से होता है। स्वभाव से ही मुझ में अहंकार और ममकार का भाव व्यक्त नहीं था, फिर भी अभ्यास के द्वारा अव्यक्त के भी परिष्कार की साधना की। फलस्वरूप व्यवहार भी विनम्रता और व्यापकता से परिपूर्ण हो गया। बहुत लोग मुझे कहते हैं, तुम इतने विद्वान और इतने विनम्र, यह कैसे? यह सुनकर मुझे सीमातीत विस्मय होता। विनम्रता विद्या का परिणाम है। विद्या ददन्ति विनयम्, यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध सूक्त है। फिर भी यह धारणा क्यों नहीं बनी कि विद्वान व्यक्ति विनम्र नहीं बनता? प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्तियों में पांडित्य का अहंकार हो जाता है। उसे ध्यान में रहकर एक कवि ने लिखा, ज्ञान मद के दर्प को मिटाने वाला है। जो व्यक्ति पढ़कर अहंकारी बनता है, उसके लिए क्या किया जाए? दवा रोग को मिटाने वाली है, वही जब विष बन जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाए? मेरा पदार्थ के प्रति आकर्षण कम रहा है, इसलिए चैतन्यानुभूति के प्रति उत्तरोत्तर आकर्षण बढ़ता रहा। भाव शुद्धि ने मन की एकाग्रता को पुष्ट किया। नकारात्मक भाव मन की चंचलता को बढ़ाने के लिए बहुत जिम्मेदार हैं। भाव शुद्धि का विकास होने पर नकारात्मक भाव कम हो जाते हैं और मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। दूसरे का अमंगल चाहने वाला वास्तव में अपना अमंगल चाहता है। दूसरे के अनिष्ट की बात सोचने वाला वस्तुत्व अपने अनिष्ट की बात पहले सोचता है। इस अवधारणा ने भी नकारात्मक भाव से बचने का महत्वपूर्ण आलंबन दिया। स्वरोदय विद्या के अनुसार नकारात्मक भाव का प्रमुख हेतु है पार्थिव तत्व का असंतुलन। शक्ति केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने से वह संतुलन बन जाता है। चंद्र प्रज्ञप्ति गाथा और उवस्सगर्म की साधना। विक्रम संवत 2013 सरदार शहर चातुर्मास जयाचार्य की जप साधना और ध्यान साधना का मनन किया। चंद्र प्रज्ञप्ति की एक गाथा पर ध्यान केंद्रित किया। जयाचार्य उस गाथा का बहुत जप करते थे। वह गाथा इस प्रकार है, नम्यूण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिये, गए किले से अरिये सिद्धायरिये वज जाये सव साहोइये। उवस्सगर्म नामक स्त्रोत जैन परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। यह बहुत शक्तिशाली है। भद्रबाहु स्वामी ने संघ के संकट को दूर करने के लिए इसका निर्माण किया था। अर्हत पार्श्वनाथ के प्रति मेरी सहज श्रद्धा थी, पद्मावती के प्रति गहन आकर्षण था। मैंने उवस्सगर्म स्त्रोत की साधना भी शुरू की। भावित आत्मा की साधना का प्रयोग। ध्यान साधना की मध्याविधि में हमने कुशल और प्रणिधान के प्रयोग किए। विक्रम संवत 2020 में भावित्मात्मा की साधना का प्रयोग शुरू किया गया। उसके विकास के लिए प्रणिधान कक्ष की आयोजना की गई। 10 दिन के शिविर आयोजित किए जाते रहे। उसमें प्रमुखतया साधु साध्विया ही भाग लेती थी। उस शिविर में आसन प्राणायाम कायोत्सर्ग ध्यान और जप के प्रयोग कराए जाते हैं। क उदर व्यायाम सोडियान पद्मासन। पद्मासन में बैठकर श्वास का पूर्ण रूप से रेंचन करना, 5 बार से 100 बार पेट को सिकुड़ना और फुलाना। अग्निसार पद्मासन में बैठकर श्वास का पूर्ण रूप से रेचन करना, 5 बार से 100 बार पेट में द्रुत कंपन करना। उदर कोणासन सुखासन में बैठकर 15 बार पेट को दोनों तरफ कोणाकार घुमाना। ऊर्ध्वाकर्षण सिद्धासन में बैठकर पूर्ण रूप से रेचन करना, रेचक पूरक जालंधर बंद मूल बंद करते हुए पेट को सिकोड़ना और फैलाना। 5 बार से 100 बार पेट को सिकोड़ना और फुलाना। उदर मर्दन सुखासन में बैठकर पेट को गूंदना, प्रकंपित करना तथा यकृत और पलिहा को धीरे धीरे दबाना। ख हस्त व्यायाम सम्मुख हस्त व्यायाम पद्मासन में बैठकर हाथों को सामने ले जाकर अंगुलियों को जोर से दबाते हुए हाथों को मोड़कर कंधे तक ले जाना। पार्श्व हस्त व्यायाम पद्मासन में बैठकर हाथों को दोनों पार्श्वों में लंबा कर अंगुलियों को जोर से दबाते हुए हाथों को मोड़कर कंधों तक ले जाना। त्रिबंध पद्मासन में बैठकर जालंधर बंद उड़ियान बंद और मूल बंद करना। प्रारंभ में आधा मिनट, 2-3 सप्ताह के बाद 1 मिनट, फिर क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते 3 मिनट तक। गल व्यायाम पद्मासन में बैठकर गले को 10 बार आगे पीछे ले जाना।
10 बार दोनों पार्श्वों में तथा 2 बार चक्राकार घुमाना। चक्षु व्यायाम, नासाग्र दृष्टि, पद्मासन में नाक के अग्र भाग पर दृष्टि टिकाना, प्रारंभ में आधा मिनट, क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट तक। भ्रकुटी दर्शन, पद्मासन गले को सीधा रख एक एक भ्रकुटी को देखना, समय 1 मिनट तक। उच्चावच दृष्टि, गर्दन को स्थिर रखते हुए आंख की पुतलियों को ऊंचा नीचा करना। पार्श्व दृष्टि, गर्दन को स्थिर रखते हुए आंख के पुतलियों को दोनों पार्श्वों में घुमाना। घर्षण, हथेलियों को मलकर धीमे से आंखों को सहलाना, कनपटियों को सहलाते हुए सिर का मर्दन करना। नाभि दर्शन, पद्मासन मुद्रा एक टक नाभि की ओर देखना, समय 3 मिनट। जप, ओम का जप लंबे स्वर से करना, समय 3 मिनट। सुप्त भस्त्रिका, सुप्त कायोत्सर्ग आसन में भस्त्रिका प्राणायाम करना, समय 3 मिनट। कायोत्सर्ग आसन, शरीर की चंचलता और ममत्व का विसर्जन कर सोना। ध्यातव्य, पहला मूलबंध और भावक्रिया, यह दोनों हर क्रिया के साथ हो। 2, समय साधारणतः प्रातःकाल या भोजन के 3 घंटा पश्चात। 3, जो विशेष स्थितिवश पूर्ण क्रियाएं न कर सके तो वे कम से कम 3 क्रियाओं को करे, सोडियान, पद्मासन, त्रिबंध और कायोत्सर्ग आसन। अध्यात्म योग की प्रथम पुस्तक, प्रातःकाल का समय देही कार्यों से निवृत्त होकर साधु साध्वियां एकत्र हो जाती, मैं निर्देश देता जाता, सब लोग उसके अनुसार अभ्यास करते, अभ्यास के पश्चात कुछ सैद्धांतिक पक्ष के विषय में जानकारी दी जाती। उस समय टैप रिकॉर्डर की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए साधना के पश्चात प्रयोग के पश्चात होने वाले वक्तव्यों का समग्र संकलन नहीं हो किया जा सका, संतों ने उनका सारा संक्षेप लिखा है। एक पुस्तक तैयार हो गई, उसका नाम रखा गया तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने किया। अध्यात्म योग के विषय में यह मेरी प्रथम पुस्तक थी। मनोनुशासनम ग्रंथ का प्रणयन, विक्रम संवत 2018 धवल समारोह का अवसर, आचार्य वर से मैंने प्रार्थना की। आचार्य पदारोहण का 25वां वर्ष पूर्ण हो गया है, 26वें वर्ष में संघ को नई दिशा देने वाला होना चाहिए। साधारण लोग समझ रहे थे आचार्य वर का प्रचार में बहुत रस है, स्थूल दृष्टि वाला व्यक्ति स्थूल बात तक ही पहुंचता है। आचार्य वर हर वर्ष आत्ममंथन करते रहते थे, उससे फलित होता है मनोमंथन, और वह सबसे पहले मेरे सामने आता था। आचार्य वर के जीवन के अंतर्दर्शन का संभवतः मैं प्रथम साक्षी हूँ, यदि प्रथम नहीं कहूँ तो कह सकता हूँ कि प्रथम पंक्ति का प्रथम साक्षी हूँ। उस साक्षी भाव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आचार्य वर के अंतस्थल में अध्यात्म की सरिता का प्रवाह था और व्यवहार में जनता की प्यास को बुझाने का आह्वान। आचार्य वर ने मेरे चिंतन पर ध्यान दिया, अध्यात्म योग पर ग्रंथ तैयार करने की कल्पना हो गई। श्री डूंगरगढ़ का प्रवास, बीजराज जी पुगलिया की हवेली, ऊपरी मंजिल में दाई और की छोटी कोठरी, सर्दी का मौसम, गुरुदेव उस कोठरी में विराज रहे थे, प्रकाश कम था, फिर भी एक ऐसे ग्रंथ का स्वस्तिश्री किया गया जो अंतस्थल के तम को भी प्रकाश में बदल सकता है। महर्षि पतंजलि का योगादर्शन योग का सलाका ग्रंथ है, सहस्त्र वर्षाविद बीत जाने पर भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रही। जैन आचार्यों ने भी योग पर अनेक ग्रंथ लिखे, उन पर योग दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। उपाधेय ग्रंथ की अनुकृति अवांछनीय नहीं है, फिर भी एक कमी की अनुभूति होती रही। जैनाचार्यों द्वारा रचित योग ग्रंथों का आधार प्रमुखतः जैन साधना का मर्म होना चाहिए, वैसा प्रयत्न स्वल्प मात्रा में हुआ है। चिंतन के पश्चात नए ग्रंथ की रचना प्रधानतः आगम के आधार पर करने की कल्पना की गई। ग्रंथ का नाम रखा मनोनुशासनम और उसका प्रारंभ पर्याप्ति सिद्धांत से किया गया। पर्याप्ति प्राण ऊर्जा अथवा जीवन शक्ति का स्रोत है। योग दर्शन का प्रारंभ चित्तवृत्ति के निरोध से होता है, चित्तवृत्ति निरोध योग। मनोनुशासनम का प्रारंभ निरोध और शोधन से होता है, मनो वाक काया आनापान इंद्रिय आहरणाम निरोधो योग। शोधनम च इसका आधार है संवर और तप, संवर निरोध की साधना है, तप निर्जरा की साधना है,
मनोनुशासनम का हिंदी में संक्षिप्त अनुवाद किया गया। ग्रंथ जनता के हाथों में गया व जन साधारण तथा बड़े बड़े साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। उसकी विस्तृत व्याख्या की बात आई, तमिलनाडु की यात्रा में उस मांग की पूर्ति की गई। तमिलनाडु के अनेक नगरों व गांव की यात्रा चल रही थी। दिन में आगम संपादन व लेखन के कार्य चल रहे थे। मनोनुशासनम की व्याख्या के लिए रात्रि का समय चुना गया। मैं बोलता जाता और मुनि गुलाबचंद जी लिखते जाते। मुनि जी में यह विशेषता थी कि रात को जो लिखते प्रातःकाल उसकी प्रतिलिपि कर लेते। न थी पास में कोई ग्रंथ की सामग्री और न था बिजली का प्रकाश, फिर भी व्याख्या लिखने का कार्य संपन्न हो गया। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उसके होने पर कठिन कार्य भी सरल बन जाता है और संकल्प शक्ति के अभाव में सरल कार्य भी कठिन बन जाता है। मनोनुशासनम योग निष्ठ साधकों की परिषद में अतीव मान्य हो गया। प्रेक्षा ध्यान की पृष्ठभूमि। ध्यान मेरे जीवन का अनिवार्य अंग बन गया। उसकी प्रयोग अवधि बढ़ती गई। लगभग 3 घंटे का समय ध्यान के लिए निर्धारित किया गया। विक्रम संवत 2019 का चातुर्मासिक प्रवास उदयपुर में हुआ। उस समय हम उत्तरायण सूत्र का संपादन कर रहे थे। मेरा क्रम था कि दिन में जो लिखता सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात आचार्यवर के सामने प्रस्तुत कर देता। ध्यान के बारे में चर्चा चली, तब आचार्यवर ने सहज मुद्रा में कहा, जैन परंपरा में ध्यान की श्रृंखला विच्छिद हो गई है, उसे फिर से जोड़ दिया जाए तो एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। आचार्यवर की प्रेरणा को मैंने अपना लक्ष्य सूत्र बना दिया। प्रयोग चलते रहे और इस विषय में खोज भी चलती रही। विक्रम संवत 2021 दिल्ली प्रवास, कठोतिया भवन, सूर्योदय का समय, मैं आचार्यवर को वंदना करने के लिए गया। आचार्यवर ने कहा, तुम प्रतिक्रमण के मध्य आलोचना करने आते हो, तुम्हारा ध्यान का क्रम विच्छिन्न होता है, अब तुम सूर्योदय के बाद ही आलोचना लेने का क्रम बना लो। मुनिचर्या की विधि है कि सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व रात्रिक प्रतिक्रमण किया जाता है और प्रतिक्रमण के मध्य रात्रिक प्रमाद के लिए आलोचना की जाती है। उसके लिए सब साधु आलोचना लेने के लिए आते हैं और मैं भी आता। उसे लक्ष्य में रखकर गुरुदेव ने कहा, सूर्योदय के आसपास तुम्हारा ध्यान पूर्ण होता है, इसलिए तुम आलोचना सूर्योदय के पश्चात लेने का क्रम बना लो। मैंने आचार्यवर के अनुग्रह को शिरोधार्य कर इंगित के अनुरूप क्रम बना लिया। मेरे ध्यान की विकास यात्रा में आचार्यवर का चिंतन, पुरुषार्थ और प्रोत्साहन एक शक्तिशाली वाहन का काम कर रहा था। तेरा पंथ का अपना अनुशासन है। यदि आचार्य का प्रोत्साहन और समर्थन न मिले तो विकास की यात्रा गतिशील नहीं हो सकती। आचार्यवर ने मेरी गति को अग्रसर करने में जो किया वह अनिर्वचनीय है। जो निर्देश मुझे मिला वह मेरे साथी साधु वर्ग में चर्चा का विषय भी बना, पर अध्यात्म साधना के पथ पर आने वाली चर्चा दूध में शर्करा की भांति स्वतः ही विलीन हो जाती है। विक्रम संवत 2024 अहमदाबाद चातुर्मासिक प्रवास। आचार्य हेमचंद्र के योग शास्त्र का मैंने अनेक बार अध्ययन किया। उसमें योग साधना के विषय में बहुत सूक्ष्मता से लिखा गया। अहमदाबाद में उसे फिर से पढ़ा तो उत्तराधर प्राणायाम ने मुझे बहुत प्रभावित किया। साधना के प्रारंभ काल में इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। अभ्यास की परिपक्वता होने पर मैंने अनुभव किया कि उत्तराधर प्राणायाम का प्रयोग शारीरिक और मानसिक भावनात्मक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। परिकल्पना योग वहन की भूमिका की। अध्यात्म और ध्यान के विषय में चिंतन चलता रहता था। आचार्यवर आध्यात्मिक विकास और संस्कार निर्माण के प्रति बहुत चिंतित थे। उनकी चिंता में सहभागी बनने का मुझे अवसर मिला। एक दिन चिंतन का विषय था ध्यान साधना में कुछ मुनि अग्रणी बने, उनका आध्यात्मिक विकास दूसरों के लिए अनुसरणीय बने। आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ प्रयोग आवश्यक हैं, इसलिए विशेष प्रयोग की भूमिका पर चिंतन किया जाए। आचार्यवर के इस इंगित को ध्यान में रखकर मैंने एक योजना प्रस्तुत की। यदि तेरा पंथ साधु संस्था को प्राणवान व तेजस्वी बनाना है तो उसे विद्या प्रवणता के पूर्व साधना प्रवणता प्राप्त करनी होगी। उसके वर्तमान स्वरूप व जीवन पद्धति में ऐसा होना कठिनतम कार्य है। अतः तेरापन साधु संस्था को 2 रूपों में वर्गीकृत करके ही उक्त परिकल्पना को क्रियान्वित किया जा सकता है। तेरापन साधु संस्था का मौलिक स्वरूप था यथावत रहेगा। उसमें से कुछ एक साधु जिन्हें साधना की विशेष रुचि व क्षमता प्राप्त हो
उन्हें योग प्रतिमा वहन की स्वीकृति दी जाए। इस भूमिका में रहने वाले योगी कहलाएंगे। योग प्रतिमा वहन करने वालों की अधिकतम संख्या 13 होगी, क्योंकि धर्म प्रसार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक स्वीकृति नहीं दी जा सकती। नव दीक्षित मुनियों को साधना की परिपक्वता प्राप्त करने के लिए योग वहन की भूमिका में रखा जाएगा। वे 3 वर्ष तक वहां साधना और शिक्षा प्राप्त करेंगे। 3 वर्ष के पश्चात आचार्य और योग वाहक दोनों चाहे तो किसी मुनि को भी अपेक्षित अवधि तक वहां रखा जा सकता है। वहां साधना और शिक्षा प्राप्त मुनि योग वाहक का निर्देशक प्राप्त कर फिर आचार्य की सन्निधि में चले जाएंगे। आचार्य उन्हें अध्ययन व धर्म प्रसार आदि की दृष्टि से जैसा उपयुक्त समझेंगे नियुक्ति करेंगे। योग वहन की भूमिका में वह योग वाहक के निर्देश का पालन करेंगे। गण की सन्निधि में आने के पश्चात वे आचार्य के आदेश निर्देश को शिरोधार्य करेंगे। योग वहन की भूमिका 13वां साधु संघ की एक श्रेणी है, इसलिए उसका स्रोत 13वां साधु संस्था ही होगा। इसका अर्थ यह है कि योग वाहक किसी को दीक्षित नहीं करेंगे। इस भूमिका में जो आएंगे वे 13वां साधु संघ से ही आएंगे। इस भूमिका में प्रवेश उसे मिलेगा जिसे आचार्य व योग वाहक दोनों की सहमति प्राप्त हो। इस भूमिका के स्थायी सदस्य योग वाहक के निर्देश में रहेंगे। उनमें से कोई योगी फिर से संघीय जीवन पद्धति या कार्यक्रम को पसंद करे तो वह योग वाहक व आचार्य दोनों की स्वीकृति से वहां जा सकता है। इस प्रकार कोई युवक या वृद्ध मुनि भी योग वहन की भूमिका में कुछ समय या समग्र जीवन के लिए आना चाहे तो वह आचार्य व योग वाहक की स्वीकृति से आ सकता है, किंतु स्थायी सदस्यों की संख्या 13 से अधिक नहीं होगी। अल्पकालीन अवधि के लिए आगंतुक सदस्यों की संख्या अधिक हो सकती है। योगी गण अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट साधना के साथ साधु संघ के साधुओं मुख्यतः नवदीक्षित और अन्य साधुओं को भी साधना व शिक्षा में दक्षता प्राप्त करने में सहयोग देगा। साधना केंद्र के माध्यम से तैयार की जाने वाली 30वीं श्रेणी के साधकों तथा श्रावक गण की साधना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। विशेष साधुओं की भांति साध्वियों की भी पृथक व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, परिकल्पित श्रेणी यद्यपि 13वां धर्म संघ के अनुबंध होगी, फिर भी वह अपनी अतिरिक्त भूमिका के कारण संघीय चर्या के नियमों से पूर्णतः बद्ध नहीं होगी। प्रायोगिक स्वतंत्रता तथा आदेश के स्थान पर निर्देश की प्रधानता आदि उसका वैशिष्ट्य होगा। तीसरा, प्राय एक स्थान पर निवास। चौथा, विशेष विवरण विस्तार से आवश्यकता होने पर।